माशाल्लाह बारकल्लाह। अब इनके बाद मैं सुमैया बिनते जाबिर को मदऊ करती हूँ, जो कि असफ सानी मिना सानविया की तालिबा है, जिनकी तकरीर का उन्वान है नमाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस 10वां सालाना इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज। गौर करो मेरी दीनी बहनों, जंग में भी अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया। दुश्मन सामने है, चाहे तो उनको कत्ल कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, उनको सफेदी से मिटा सकते हैं। इस साल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज नहीं छोड़ सकते। याद रखो मेरी बहनों, ये नमाज हमारी कामयाबी का जरिया है। जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं तो इससे एक महीना पहले से ही तैयारियां करते हैं, लेकिन हमने आखिरत की तैयारियां की ही नहीं। आज हमको क्या हो गया है, क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ दिए? हमें चाहिए कि हमें पांचों वक्त की नमाजों की पाबंदी से अदा करें। आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। नमाज की फिक्र करो बैलेंस की तरह, अजान की आवाज सुनकर उठो अलार्म की तरह, दुनिया में बिजी ना हो जाओ नेटवर्क की तरह, क्योंकि जिंदगी कभी भी स्विच ऑफ हो सकती है मोबाइल फोन की तरह। अस्सलामु